लगा रही हूँ। इसमें क्या है? सामान है कुछ मेरा। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? अरे अभी सिद्धि कर रहा हूं, विघ्न होगा अगर दरवाजा खोलूंगा तो। दरवाजा नहीं खोल सकता अभी। एक अच्छे पुलिस ऑफिसर की हमेशा यही कोशिश होती है कि वो केस को जल्द से जल्द सॉल्व करे, लेकिन कुछ एक केसेस ऐसे होते हैं जिनकी फाइल कभी क्लोज नहीं की जाती है। या तो उस इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदल जाती है इसलिए वो केस डेड एंड पे आ जाता है, या फिर उस केस को हैंडल करने वाला इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर किसी कारणवश उसका तबादला हो जाता है। हर थाने में ऐसे केसेस होते हैं और पुलिस वालों को ये केसेस याद भी रहते हैं, इसलिए देर सवेर कभी ना कभी ये केसेस सॉल्व भी हो जाते हैं। आज का केस भी कुछ ऐसा ही केस है जो 2 साल से अटका पड़ा था और दोबारा छानबीन करने पर ये केस इंडिया का एक अनोखा केस बन गया। फिर इस केस के खुलासे से अपराध को अंजाम देने के नए और नायाब तरीके सामने आए जिसने हम पुलिस वालों को भी हैरत में डाल दिया। क्या सोच रही हो? मीना दीदी और मोहन जिया जी को गायब हुए 2 साल हो गए लेकिन अब तक उन दोनों की कोई खबर नहीं है। अब 2 साल में कोई खबर नहीं आई तो अब क्या खाक आएगी? कहीं मर मुरा गए होंगे वो लोग। सर लगता है काफी समय हो गया है। सीना, कमर और खोपड़ी की हड्डियों के अलावा सारी हड्डियां गल चुकी हैं। स्केलेटन देखकर ये नहीं पता चल रहा है कि ये मर्द है या औरत, लेकिन स्कल क्रैक्ड है। हो सकता है इनकी मौत सर पे चोट लगने की वजह से हुई हो। एक काम करो, फॉरेंसिक के लिए भेजो, पता चल जाएगा ये मर्द है या औरत। ये देखिए सर, ये मिला है। ये तो किसी बैंक का कार्ड है, नाम ठीक से दिखाई नहीं दे रहा लेकिन नंबर साफ है। पता करो ये किसका कार्ड है, नंबर से पता चल जाए कार्ड होल्डर कौन है। सर इस जमीन का मालिक कौन है? साहब वैसे तो ये जमीन सौरभ अग्रवाल की है लेकिन 2 महीने पहले PWD डिपार्टमेंट ने ये जमीन सड़क निर्माण के लिए खरीदी थी। अब देखिए ना, आज ही से सड़क का काम शुरू हुआ और आज ही ये 2 वर्ष मिली है। इस पूरी जमीन की खुदाई करवा, देखो क्या निकल कर आता है। और ये क्या नाम बताया इसका? सौरभ अग्रवाल। सौरभ अग्रवाल को पूछताछ के लिए बोलो। सर ये डेबिट कार्ड तो सर कठुआ गांव के मोहनलाल का है, मैं अभी आपको इसका प्रिंट आउट निकाल के देता हूँ। सर ये रही उसकी फोटो और कम्युनिकेशन डिटेल्स। साहब जैसे ही थाने से फ़ोन आया मैं दौड़ा चला आया, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। वैसे ही मैं शहर में नौकरी करता हूँ, मेरा यहाँ आना जाना बहुत कम होता है साहब। आपकी ज़मीन पे 2 अवशेष मिले, आपके इसके बारे में कुछ नहीं मालूम? नहीं साहब, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ठीक है, आप जा सकते हैं लेकिन दोबारा ज़रूरत पड़ने पर आपको बुलाएंगे। ओके जी साहब। प्लीज़ सर
हाँ तो सर, मैं खेतों में स्केलेटन्स के साथ जो डेबिट कार्ड मिला था, ये रही उस डेबिट कार्ड की डिटेल्स। मोहनलाल, ये वही मोहनलाल है जो अपनी पत्नी मीना लाल और बेटी राधा लाल के साथ गायब हो गया था। गांव वालों ने इसके खिलाफ लूटपाट और चोरी का केस भी दर्ज किया था। ये रही उस केस की फाइल। रंजन सर ने इस केस की तफ्तीश भी की थी, लेकिन उन्हें कोई लीड नहीं मिली थी। उस जमीन पर कुछ और डेड बॉडीज मिले? नहीं सर, पूरी जमीन की खुदाई करवाई पर कुछ नहीं मिला। ठीक है, हॉस्पिटल अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करो कि वो डीएनए रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करें, ताकि हम पता लगा सकें ये स्केलेटन्स किसके और ये तीसरा इंसान कौन है जो गायब है। ये मरने वाली की बहन गायत्री अवस्थी, उसने मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई थी। जी हाँ सर, गायत्री इसी गांव में मोहनलाल के घर से थोड़ी ही दूरी पर रहती है। ठीक है, इस गायत्री अवस्थी को थाने बुलवाओ पूछताछ करने के लिए। सर, एक्सक्यूज मी सर, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। ये मरने वाली की बहन गायत्री अवस्थी, उसने मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई थी। जी हाँ सर, गायत्री इसी गांव में मोहनलाल के घर से थोड़ी ही दूरी पर रहती है। इस गायत्री अवस्थी को थाने बुलवाओ पूछताछ करने के। सर, हेलो जी, मैं गायत्री अवस्थी बात कर रही हूँ जी। क्या साहब, जीजा जी बहुत नेक इंसान थे, पर समय के फेर ने सब बर्बाद कर दिया। आप ना इस बुढ़ापे में सारा दिन आईने के सामने खड़े होकर बाल बनाते रहिए। राधा की शादी की चिंता है कि नहीं आपको? लड़की वाले हम हैं, इधर लड़के वालों के फोन पे फोन आ रहे हैं तारीख तय करने के लिए। तारीख उरीख तय करना है कि इस लड़के को भी हाथ से जाने दे? देखो, उन्हें शादी की तारीख तय करने की चिंता नहीं है, उन्हें है दान दहेज की चिंता। हाँ तो दान दहेज तो देना ही होगा, अरे रीति रिवाज है। पर आपकी करतूतों की वजह से ना आपने सारे दरवाजे बंद कर दिए। अरे कोई दरवाजे बंद नहीं, बेकार की बात है। उसके बाद ये कर्जे वाले दिन, ये खराब दिन, इनसे हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। आप दोनों बाप बेटी के चेहरे पर ना थोड़ी भी परेशानी नहीं है। इधर बाप है कि ख्याली पुलाव पका रहा है, और उधर बेटी सारा दिन मंदिरों के चक्कर काटती रहती है। अरे तुमको अपनी शादी की चिंता उनता है कि नहीं? माँ, मेरी शादी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप जगन को मना कर दो, मुझे भी शादी नहीं करनी है। हे भगवान, अरे बेटा ऐसी बात नहीं करते हैं, अब भगवान मालिक है, जो करेंगे अच्छा करेंगे। अच्छा ठीक है, तुम पहले ना कुछ खा लो, फिर हम राजेंद्र यादव के यहाँ चलते हैं। सुधिया बता रही थी कि उनके यहाँ कढ़ाई का खूब सारा काम आया है, तो हम दोनों माँ बेटी मिलकर कर लेंगे, अच्छा पैसा कमा लेंगे। अरे चाची आइए बैठिए, मैं घर छोड़ देता हूँ। मैं पैसे लेकर नहीं आई हूँ। अरे पैसे की कौन बात कर रहा है चाची, मैं घर ही जा रहा हूँ। आइए बैठिए आप दोनों, मैं छोड़ देता हूँ। आओ चल।
क्यों बुलाया? गायत्री देख ना, तेरे जीजा जी सांप और नागमणि से बातें कर रहे हैं। जय हो नाग देवता, जय हो। पर ये सब क्यों कर रहे हैं दीदी? उनकी ये अतरंगी कामना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो क्या चाह रहे हैं? राधा बिटिया, अब तू देखना, तेरी शादी इतने धूमधाम से करूंगा ना, पूरा गांव देखता रह जाएगा। और गायत्री, बस 11 दिन की बात है, उसके बाद मैं तेरी और अशोक की किस्मत बदल के रख दूंगा। तू देखना तेरे जीजा जी क्या करते हैं तेरे लिए। तो क्या हमारा 15 लाख का कर्जा भी उतर जाएगा? 15 लाख का कर्जा तो उतर ही जाएगा, हमारी तिजोरी भी भरी रहेगी। रमन साइड में रुकाना, मुझे 1 घंटे बाद यही मिलना, तब तक मैं पूजा करके आती हूँ। राधा कहाँ रहती हो आजकल? ना फोन करती हो ना फोन उठाती हो, कल मिलने भी नहीं आई। शादी तक कितना तक पाओगे? क्या इरादा क्या है तुम्हारा? हमारी तुम्हारी कोई शादी नहीं हो रही, इसलिए ना ही अपना टाइम वेस्ट करो और ना ही मेरा। लेकिन क्यों? अब सगाई कर ली तो शादी करने में क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, बस इतना समझ लो ये शादी नहीं हो सकती। कौन है भाई? अरे आ रहे हैं, आ रहे हैं। कहाँ है हमारा पैसा? कर्जा लिया या धान लिया है, लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा और मुंह छिपा छिपा के भाग रहा है। अरे 10 दिनों के बाद मैं तुम्हारा सारा पैसा वापस कर दूंगा, और चाहिए तो मुझसे सूद पे पैसे लेके जाना। 10 दिन में ऐसी कौन सी करामात होने वाली है? दिखाता हूँ, ये देखो, इन 2 डिब्बों में है करामातों की कुंजी। क्या इन डिब्बों में? खुद ही देख लो। जरा हम भी तो देखें। देख, देखो बर्बाद हो गया साहब। मीना दीदी, जीजा जी, राधा तीनों गायब हो गए। ना राधा का ब्याह हुआ और ना ही उनका कर्जा चुका, और बदनामी हुई सो अलग, और अब 2 साल बाद उनकी लाश। ये लीजिए पानी। वो स्केलेटन मीना लाल का है, ये जानने के लिए हमें आपका डीएनए उस स्केलेटन के डीएनए से मैच करना होगा। फिलहाल आप घर जा सकते हैं, लेकिन शायद दोबारा हम आपको बुलाएं, और इस केस के बारे में अगर आपको कुछ भी पता चले तो प्लीज हमें बताइए। ठीक है सर। एक बहुत ही विचित्र कहानी हमारे सामने आई थी। इस केस में कई सिरे थे और हर सिरे के पीछे कई सवाल। हम हर एक सवाल के पीछे जवाब ढूंढ रहे थे, हम हर एक पहलू को टटोल रहे थे। यहां एक मजबूत दस्तक ये थी कि मोहनलाल को एक सोची समझी साजिश के तहत शिकार बनाया गया था। अब ये कौन था, क्यों कर रहा था और कैसे कर रहा था, इन सवालों का जवाब हमें ढूंढना था। चल आज के लिए इतना ही, अब निकाल मेरे पैसे। लेकिन कल प्लीज यार नई वीडियो लाना। लेकिन कल 30 रुपए लगेगा, बोल देता हूँ। ये काली चाय? दूध नहीं है घर में, चीनी और पत्ती भी पड़ोसियों से मांग कर लाई हूँ। कुछ करो जगत, अरे कम से कम नौकरी ही चेंज कर लो, कितने पढ़े लिखे हो तुम। अरे उषा, ऐसे बीच में ये नौकरी नहीं छोड़ सकता, पता है बॉस ने सैलरी रोक रखी है मेरी। तो कब देगा सैलरी? तो मुझे अपने भाइयों से भी मदद नहीं लेने देते। अरे उनसे मदद लेके मरना है क्या मुझे? हमारी लव मैरिज हुई है, तुम्हारे सारे भाई मुझसे खार खाए हुए बैठे हैं, कभी भी बदला ले सकते हैं हमसे। तो बताओ अब मैं क्या करूं? गर्व को भी स्कूल नहीं भेज रही हूं, स्कूल वाले बार बार फीस मांगकर उसे सारे बच्चों के सामने टॉर्चर करते हैं। देखो मैं बात करता हूँ बॉस, अगर सैलरी मिल जाए तो थोड़ी राहत हो जाएगी। मम्मी भूख लग रही है, जल्दी खाना दो। ये रही ग्राम पंचायत ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज, जिससे ये साबित हो गया था कि मोहनलाल ने ऑफिस से 3 लाख रुपए की चोरी की थी।
चोरी के अलावा और कोई कंप्लेंट? यस सर, उसने गजेंद्र सिंह उर्फ गज्जू और सत्येंद्र सिंह उर्फ सत्तू से भी 1-1 लाख रुपए उधार लिए थे। ये गजेंद्र सिंह और सत्येंद्र सिंह, ये वही लोग हैं ना जिनकी मौत 2 साल पहले हुई थी मोहनलाल के घर पे सांप के काटने की वजह से? जी सर। लेकिन उन दोनों की लाश हमें जंगल में मिली थी और हमने उन दोनों की लाशों का पंचनामा भी किया था। बॉडी को पलटो। दोनों बॉडीज पूरी तरह से नीली पड़ गई हैं। शायद इनकी मौत सांप के काटने से हुई है। फिर भी एहतियात के तौर पर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और आसपास के गांव में पता करो ये लोग कौन हैं और यहाँ किस काम से आए थे। और हमें तुरंत पता चल गया था कि ये लाशें गज्जू और सत्तू की हैं। फिर गाँव के पंचों ने मोहनलाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। हम इंक्वायरी के लिए मोहनलाल के घर पहुँचे तो वहाँ ताला लगा हुआ था। फिर हमें पता चला कि उसने गज्जू और सत्तू से 1-1 लाख रुपये ब्याज पर उधार लिए थे। और उसी वक्त मोहनलाल अपनी बीवी मीना लाल और बेटी राधा लाल के साथ फरार हो गए। राइट सर। और आज 2 साल बाद हमें स्केलेटन मिले हैं जिसके साथ हमें मोहनलाल का डेबिट कार्ड मिला है। अगर ये मान कि एक लाश मोहनलाल की तो ये दूसरी लाश किसकी? माया बेटी दोनों में से किसी एक की होनी चाहिए। हो सकता है एक लाश अगर माँ की है तो बेटी गायब और अगर एक लाश बेटी की तो माँ गायब। या फिर हो सकता है कि माँ बेटी दोनों गायब हों, लाश किसी और की। या फिर ये भी हो सकता है कि माँ बेटी को कहीं और पर मारा गया। सवाल कहीं है, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। एक बार डीएनए रिपोर्ट्स आ जाएंगे ना, सब कुछ साफ हो जाएगा। तुम्हें देख के कौन कहेगा कि तुम एक क्वालिफाइड मैकेनिकल इंजीनियर हो? 3 महीने से एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। तुम्हें पता है ना कि हमारी कंपनी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस पे ही पेमेंट करती है। यस सर। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो प्रोजेक्ट पूरा करो, क्विक। नो रिजल्ट नो पे, डू यू अंडरस्टैंड? ओके सर। नाउ गेट बैक टू योर वर्क राइट नाउ। क्या हुआ, सैलरी मिली क्या? नहीं, इनफैक्ट मैं कल से नौकरी पे भी नहीं जा रहा। अरे मेरा बॉस मुझसे ज्यादा अच्छे से तो अपने ड्राइवर से बात करता है। क्या फायदा है इतना पढ़ने लिखने का, इंजीनियरिंग करने का? जगत प्लीज अभी जॉब छोड़ने की सोचना भी मत। अरे घर की फीस भरनी है और फिर घर कैसे मैनेज होगा? देखो जब तक कहीं अच्छी जगह जॉब नहीं मिल जाती ना, प्लीज थोड़ा टाइम और यहाँ बर्दाश्त कर लो प्लीज। मोहनलाल, मीनालाल और राधालाल की तस्वीरें तो तुमने सर्कुलेट की, कुछ निकल के आया? नहीं सर। और वो नाग और नागमणि? लोकल सपेरों से इंक्वायरी की सर, लेकिन किसी ने भी मोहनलाल या उसके परिवार में से किसी को नहीं पहचाना। वैसे भी सर आप तो जानते ही हैं कि नागमणि जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। लेकिन गायत्री के मुताबिक ये सच नहीं है, मोहनलाल की आस्था थी इन सब चीज़ों पर। लेकिन सर हमें अभी तक कोई भी नागमणि बेचने वाला या खरीदने वाला मिला नहीं है। तुमने एक बात नोटिस की? क्या सर? गांव वाले जिसको अपराधी ठहरा रहे वही मुझे किसी अपराध का शिकार लग रहा है, क्योंकि इस तरह से उसकी लाश का ठिकाने लगा और फिर सरपंच के ऑफिस से चोरी की गई रकम का उसके घर पे ना मिलना और ये नागमणि का गायब हो जाना, बहुत सारे डॉट्स हैं जो मिसिंग हैं। वो डीएनए रिपोर्ट का क्या हुआ? अभी तक आई नहीं है सर, लेकिन जल्दी मिल जाएगी। अब तक खबरी को गाँव में भेजो, देखो क्या निकल के आता। ओके सर। साहब मैं आप लोगों को एक बात तो बताना ही भूल गई। राधा एक दिन मेरे घर पर आई थी अकेली। मुझे बताना, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर पाऊं। मौसी, आप मेरी कसम खाओ कि आप ये बात किसी को नहीं बोलोगे। मैं तेरी कसम खाती हूँ किसी से कुछ नहीं कहूंगी, पर बता बात क्या है। मौसी, मैं पेट से हूँ। क्या, ये क्या कह रही है तू? बाप कौन है इसका? जगन? वो मैं अभी नहीं बता सकती आपको, एक बार सब ठीक हो जाए सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। दीदी आपका भाई? सर हम इन्वेस्टिगेशन के इस एंगल को ओपन करते हैं और राधा के बारे में पता करते हैं। आपको क्या लगता है, राधा अपनी मर्जी से प्रेग्नेंट हुई थी या उसके साथ जबरदस्ती की गई थी? साहब अगर जबरदस्ती नहीं होती तो वो रोती क्यों? मुझे तो यकीन है ये काम उस लिचड़ मनोज मिश्रा ने ही किया होगा। जीजा जी ने उससे पैसा उधार लिया था।
राधा कहाँ है? कौन राधा? ज्यादा होशियार मत बन समझा। राधा मोहनलाल की बेटी जो तेरे कुत्ते की फैक्ट्री में काम करती थी, और वही मोहनलाल जिसने तुझसे कर्ज लिया था। अभी कुछ याद आया है? यहीं पे कुछ और तरीके से याद लाऊं? अच्छा अच्छा, वो राधा, वो तो पूरा परिवार 2 साल से गायब है। गायब है या तूने गायब कर दिया है? देख मनोज, हमें सब पता चल गया। राधा तेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। तू शादीशुदा है, कहीं तेरी शादी ना टूटे इसलिए तूने सबसे पहले राधा को मारा। उसके माँ बाप ने आवाज उठाई तो उन्हें मार दिया। क्यों, ऐसा ही है ना? अब सीधी तरह से बता दे, राधा को कहाँ दफनाया तूने? बोल। सर, वो मेरे यहाँ सिर्फ काम करती थी, उससे ज्यादा मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। और अगर उसके पेट में बच्चा था तो वो उसके मंगेतर जगन का होगा, उससे मेरा क्या लेना देना? क्या राधा मां बनने वाली थी किसके बच्चे की? ए जगन, ज्यादा नाटक नहीं है, सवाल हम पूछेंगे, जवाब तू देगा, समझा? तू राधा से प्यार करता था, राधा के साथ तेरी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से पहले राधा मां बन गई। इस बात से तुझे गुस्सा आया और इस बात का बदला तूने पूरे परिवार से लिया है ना? सर, मैं कुछ नहीं जानता, और राधा ने भी मेरे साथ बात नहीं करी। मंगनी के 1-2 दिन बाद उसे पता नहीं अचानक क्या हो गया था, कटी कटी सी रहती थी मेरे साथ वो, ना मेरा फोन उठाती थी, जब मिलने जाता तो ढंग से बात नहीं करती थी, वो कन्नी काटती थी मेरे से। ये लो 1000 रुपए। रुको, कहाँ से लाई ये पैसे? अपने कान के बुंदे बेच कर लाई हूँ। मैं गर्व का फ्यूचर ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, और उसे पढ़ने के लिए भी नहीं बोल सकती। पता नहीं पूरा दिन कहाँ घूमता फिरता है। अब आप जाओ और उसके स्कूल की फीस भर दो। अरे अब जाओ ना। सर, सौरभ अग्रवाल की जमीन पर जो स्केलेटन मिले थे उसकी डीएनए रिपोर्ट आ गई है। गायत्री अवस्थी के डीएनए से ये कंफर्म हो गया है कि एक लाश मीना लाल की है, और दूसरी लाश पर फॉरेंसिक के फेशियल रिकंस्ट्रक्शन के आधार पर उन्होंने कंफर्म किया है कि वो दूसरी लाश मोहनलाल की है। इसका मतलब राधा लाली गायब है। सर, गायत्री अवस्थी की बातों से लग रहा था कि राधा अपनी मौसी के काफी करीब थी। ऐसे में ये सब बहुत अजीब लग रहा है कि राधा 2 साल से अपनी मौसी से मिलने तक नहीं आई। इस गायत्री का कॉल रिकॉर्ड निकल लो, देखो कोई सस्पिशियस संबंध निकल के आता है कि नहीं, और उसे क्रॉस चेक करो। ओके राइट सर। लेकिन सर, एक बात गौर करने लायक, ये सारी घटनाएं एक ऑर्डर में ग्राम पंचायत ऑफिस में मोहनलाल की चोरी करने के बाद हुई है, इसलिए गांव के पंचों द्वारा बदले के एंगल को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। सर, तुम्हारे रडार में जितने भी सस्पेक्ट हैं उन सब पे नजर रखो। सर, राधा की प्रेगनेंसी को लेकर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि राधा की प्रेगनेंसी की वजह से उसके घर में कलह हो गई, उसने गुस्से में आकर अपने माँ बाप को मार दिया और वहाँ से भाग गई, या फिर बच्चा पैदा करने के शर्म से भाग गई और उसके माँ बाप को किसी और कारण से मार दिया गया? हो सकता है। इस राधा की सच्चाई की तह तक पहुँचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा इस केस की दूसरी कड़ी अंत है। राइट सर। वाले मान गए 1000 रुपए में, कल से हमारा घर स्कूल जाएगा ना? जगत, संभालिए अपने लड़के को, खुद तो बिगड़ा हुआ है ही, साथ में हमारे बच्चों को भी बिगाड़ रहा है। अरे 20-20 रुपए लेके अपने मोबाइल पे हमारे बच्चों को ये गंदी फिल्में दिखाता है। अगली बार अगर ये पकड़ा गया ना तो यहाँ नहीं सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगा, संभाल लेना। तेरे पास फोन कहां से है? मोबाइल खरीदने के पैसे कहां से आए तेरे पास? दिखा फोन, दिखा। अरे ये तो मेरा मोबाइल है, ये तूने चुराया था। तो क्या करूं, स्कूल से निकाल दिया, पॉकेट मनी के नाम पर सिर्फ 1 रुपया भी नहीं होता है मेरे पास, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना।
बच्चे का ठीक से देखभाल किया करो, बुखार है, अभी मैं दवाइयाँ लिख करके दे रहा हूँ, 2 दिन के बाद फिर से ला के दिखा लेना। हमारी पूरी कहानी राधा के इर्द गिर्द फंसी हुई थी। हम जैसे जैसे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, राधा की कहानी और भी रहस्यमय होती चली जा रही थी। राधा के चरित्र के अलग अलग नैरेटिव्स हमारे सामने आ रहे थे, जिसकी वजह से हम अपनी थ्योरीज बनाने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे। 2 साल बीत चुके थे, केस में बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन एक बात तय थी कि 4 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से सत्येंद्र सिंह और गजेंद्र सिंह की मौत सांप काटने की वजह से हुई थी, और मोहनलाल और मीनालाल को मारकर गाड़ दिया गया था। बहरहाल, जिन जिन पे हमें शक था, हमने उनकी घेराबंदी कर ली, बस राधालाल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ऐसे में अचानक से मेरे ट्रांसफर पेपर्स आ गए। मेरा ट्रांसफर दिल्ली के प्रीत विहार पुलिस स्टेशन में हुआ। वहां पहुंचते ही एक बहुत ही अनोखा केस मेरे सामने आया। ये केस केवल अनोखा नहीं बल्कि दूसरे केसेस से भी जुड़ा हुआ था। ब्लास्ट हुआ है, 2 लोग मारे गए हैं, 2 लोग घायल हैं। बॉडीज को हॉस्पिटल भेज दिया गया है और फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म कर दिया कभी भी आते हो। सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा इस ब्लास्ट में कौन सा मटेरियल यूज किया गया और इसके पीछे क्या मकसद है। हो सकता है ये टेररिस्ट एक्टिविटी हो। इस फार्म हाउस का मालिक कौन है? प्रशांत वर्मा सर, लंदन बेस्ड NRI। यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड परमानेंट जॉब करता था जो यही रहता था, फिलहाल वो फरार है। इस फार्म हाउस को सील कर और सिक्योरिटी गार्ड को जल्द से जल्द तलाशो। अपने बॉम्ब स्क्वाड और फोरेंसिक टीम से कहो इस फार्म हाउस की अच्छी तरह से तलाशी ले। ये जिस किसी ने भी किया है वो समाज के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। चलिए सर, पहले प्रेजेंटेशन देख लीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। इंटरेस्टिंग, इसकी बाजार में क्या कीमत बताई आपने? सर इसकी कीमत 1,00,000 करोड़ है। 1,00,000 करोड़? यस सर। यू हैड इट राइट सर, इट्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर जनरेशंस। हम आपके सर से कब मिल सकते हैं? सर अभी वो बार्सिलोना में इंटरनेशनल सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं उन्हें एक SOS मैसेज डाल दूंगा। हाँ सर, तभी वो नेक्स्ट वीक प्लान कर पाएंगे आने का। ठीक है, हम उनसे नेक्स्ट वीक मिलना चाहेंगे। कंपनी तो काफ़ी नामी ग्रामी है और 2 साल से चल भी रही है, और ये देखिए इनकी वेबसाइट पर काफ़ी विदेशियों के साथ फोटोज डाले हैं और ये उनके इंटरव्यूज भी। और साथ ही में ये खबर है कि इनके कई ब्रांचेज है यूरोप में भी। मुझे तो सब कुछ ऑथेंटिक लग रहा है। क्या कहता है फिर? डील लॉकर। क्या? सर, फार्म हाउस ब्लास्ट में मरने वाले लोगों की शिनाख्त हो गई। एक का नाम है सुशील कपूर और एक अर्जुन चैटर्जी। दोनों के घर वालों को नहीं पता था कि वो यहाँ आए थे। उनके घर वालों को इस ब्लास्ट के बारे में भी कुछ नहीं पता। घर वालों की CDR रिपोर्ट निकालो, हम कोई चांस नहीं दे सकते। राइट सर।
घायलों की स्थिति क्या है? सर वो अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। उनमें से किसी एक को भी अगर होश आ जाता है तो हमें काफी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। हॉस्पिटल के पीआरओ से टच में रहो। और ये ब्लास्ट की इमीडिएट फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या निकली? सर ब्लास्ट में मीथेन गैस का इस्तेमाल हुआ था और ब्लास्ट में यूज हुए दूसरे केमिकल्स की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। और वो सिक्योरिटी गार्ड जो भागा था उसके बारे में कुछ पता चला? सर उसके पीछे एक टीम लगा रखी है, उसका फोन अभी भी स्विच ऑफ जा रहा है और वो अपने गाँव भी नहीं पहुँचा है। चारों तरफ कड़ी निगरानी रखो और इस ब्लास्ट की तह तक पहुँचना हमारे लिए बहुत जरूरी, वरना ये मीडिया वाले बहुत बड़ा बवाल खड़ा करेंगे। तेरे नासों का जिम्मेदार मैं हूं। मैं मानता हूं कि न तो मैं अच्छा बाप बन पाया और न अच्छा पति। कैसी बातें कर रहे हैं आज आप? सच्ची तो कह रहा हूं पर राधा बेटा अब नहीं, मैं तुम दोनों की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। वादा करता हूं तुम लोगों ने मेरी वजह से बहुत भुगता है, बहुत झेला है, पर अब नहीं। तू मेरे लिए बस इतना कर, एक बार हंस दे अपने पापा के लिए जैसे बचपन में हंसती थी, हंस दे। जैसा आप लोगों ने कहा हमने पूरे 80 लाख रुपए फंड ट्रांसफर कर दिए हैं। That's great, sir. हम लोगों ने भी सर को इन्फॉर्म कर दिया है, वो बार्सिलोना से अबू धाबी आ चुके हैं, बस दो ही दिन में इंडिया आ जाएंगे। तब तक हम कॉन्ट्रेक्चुअल एंड लीगल फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं ताकि जब सर आए तो पेपर वर्क स्मूथ हो जाए। That's great. सर फार्म हाउस में जो ब्लास्ट हुआ था उसी पैटर्न का एक ब्लास्ट 3 महीने पहले कोलकाता में भी हुआ था। ये पुलिस हेडक्वार्टर से फाइल की कॉपी आई है। ये तो काफी शॉकिंग है। क्या हुआ सर? रेडियो एक्टिव ब्लास्ट में जो कंपनी इन्वॉल्व है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये जो नाम और ये तस्वीर, ये तो वही शख्स है जिसका केस में कटवा में सॉल्व नहीं कर पाया था। सर मोहनलाल ताज्जुब की बात ये है कि ये 2 साल पहले मर चुका है और ये वेबसाइट 2 साल के बाद बनाई गई है। और जिस मोहनलाल को मैं जानता हूँ वो एक सीधा साधा गाँव का आदमी है, वो गाँव से कभी शहर गया ही नहीं, तो उसे रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर साइंस के बारे में क्या पता होगा? सर जाहिर सी बात है मोहनलाल के नाम का इस्तेमाल करके कोई नाजायज फायदा उठा रहा है। ये जो कोई भी शख्स है इसके बारे में जल्द से जल्द हमें पता करना होगा। एक काम करो, कठवा गांव जाकर अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट करो, पता करो कि कौन है जो बार बार गांव से दिल्ली जाता है। राइट सर। और हाँ, ये एक सीक्रेट मिशन की तरह होना चाहिए, कानों कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। हो सके तो विजिलेंस डिपार्टमेंट की मदद, इन कल्प्रिट्स को जल्द से जल्द दबोचना होगा। ओके राइट सर। हमने और हमारी टीम ने एक रणनीति तैयार कर ली थी और हमने बहुत ही सावधानी से सारे कल्प्रिट्स को एक साथ बिना किसी हलचल के दबोचना चाहते थे ताकि कोई भी भाग निकलने में कामयाब ना हो सके। सर साइबर सेल ने इस कंपनी की वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी चेक की, उनके हिसाब से इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस मोहनलाल के नाम पर ही रजिस्टर्ड है और खबरों ने पता लगाया कि आजकल इन दोनों का दिल्ली आना जाना काफी बढ़ गया सर। और एक बात सर, इनमें से एक गाँव काफी आता जाता है जबकि दूसरा काफी टाइम से अपने गांव नहीं लौटा है। साहब यही है वो फार्म हाउस का चौकीदार। साहब मुझे माफ कर दो, मैं पैसे की लालच में आ गया था साहब। एक साहब ने आपसे 2 दिन के लिए बंगला किराए पे लिया था, सोचा कि मैं थोड़ा बहुत पैसा कमा लूं साहब। इनमें से कोई है? सर ये था। हेडक्वार्टर से इन लोगों के कारनामों की एक और लिस्ट आई है। इन्होंने गोरखपुर में दीवार और कपड़े के आरपार देखने वाले चश्मे को बेचकर 5 करोड़ की ठगी की।
चश्मा बेचने के लिए इन्होंने जुड़वा लड़कियों का इस्तेमाल किया। जुड़वा लड़कियों? हाँ सर, और लोगों को लगा कि एक ही लड़की दीवार के आर पार से नजर आ रही है। इसके बाद इन्होंने दार्जिलिंग में रुद्राक्ष और माला बेचकर 3 करोड़ की ठगी की। और कोलकाता और दिल्ली के रेडियो एक्टिव ब्लास्ट के बारे में तो हम जानते ही, हमारे यहाँ 4 लोग मारे गए, वहाँ 2 लोग मरते मरते बचे। समझ में नहीं आ रहा कि ये माजरा है क्या। एक जगह पे 2 लोगों की जान को खतरा होता है, दूसरी जगह पे ब्लास्ट होता है। एक बार ये लोग पकड़े जाए फिर पूरा मामला साफ हो जाएगा। तो सर अभी हम क्या करें? हेडक्वार्टर्स के ऑर्डर्स का इंतजार करते हैं, पर ऐसी रेड मारेंगे कि उन्हें भागने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये रही हेडक्वार्टर से ऑर्डर शीट, हम अपने एंड पे पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। अरेंजमेंट फुल प्रूफ है? पूरा अरेंजमेंट हो गया सर। हमारे सोर्सेज के हिसाब से सारे कल्प्रिट्स एक ही जगह पे मौजूद हैं। गो अहेड। हाय दीपक। जगत। हरीश। प्लीज कम। डालो सबको अंदर, चल चल चलिए चलिए चलो चलो चलो। तुम दोनों जीजा साले ना जाने कितने सपनों और जिंदगियों के साथ खेले हो। बेटे को दिल्ली के NDMC स्कूल में पढ़ाने की औकात नहीं है और आज वो बर्मिंघम के रॉयल स्कूल में पढ़ रहा है। वाह, एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला, एयरप्लेन चलाने की ट्रेनिंग लेने वाला। तुम दोनों ने जो 2 सालों में किया है ना, वो एक हार्वर्ड ग्रेजुएट 10 सालों में ना कर पाए। जगत शर्मा एक क्वालिफाइड मैकेनिकल इंजीनियर और इतने सारे काले कारनामे, सबके पीछे कहानी क्या है? सर आजकल एक इंजीनियर और सिक्योरिटी गार्ड में कुछ फर्क नहीं रह गया। मेरी लाइफ एक ऐसे मुकाम पर आ गई थी कि मेरे पास मेरी बीवी के दिए हुए 1000 रुपए के अलावा जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी।
और फिर मैं जिंदगी से परेशान होकर के एक ज्योतिष के पास गया। उसने मुझे 1000 रुपये में एक माला बेची जिसकी कीमत 20 रुपये से भी ज़्यादा नहीं थी। फिर इस घटना से मुझे एक नई दिशा मिली, लेकिन जिस दिन मेरे बेटे ने बिल्डिंग के छत से छलांग लगाई उस दिन मैंने ठान लिया था। मैंने कहा भाड़ में गया ये इंजीनियरिंग फिर इंजीनियरिंग, अब मैं भी ठगी करूंगा। अब फिर मैं अपने जीजा से मिल करके ठग बन गया। ये रेडियो एक्टिव डॉल की कहानी क्या है? सर एक दिन मैंने अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा था कि रेडियो एक्टिव पदार्थ का यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मैं अपने आस पास एक डॉल ढूंढने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने अपने जीजा की दुकान पर एक डॉल देखी। तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। ये नाग और नागमणी का आइडिया तेरा था ना रमन चौधरी? सर मैं मोहनलाल से गांव में जुए की हर बाजी जीता था। एक दिन उसने मुझसे पूछा, ये रहे मेरे 3 बादशाह। वो फिर से? भाई एक बात बताओ, आप हर बाजी कैसे जीत जाते हो? ये सब मेरी माला का कमाल है। मेरे पास पैसे नहीं है, वरना मैं एक नागमणि के बारे में जानता हूँ, वो अगर मुझे मिल जाए ना मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। वो नागमणि है कितने की? सिर्फ 5 लाख। मैंने उसकी आंखों में मणि पाने की चाहत को पढ़ लिया। देख, ग्राम पंचायत के फंड्स ऑफिस में रहते हैं, चुरा ले। मेरे ही कहने पे मोहनलाल ने चोरी की। भाई ये 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मैंने वो ऑफिस से चुरा लिए थे। 1-1 लाख रुपया मैंने सत्तू और गज्जू से ब्याज पे ले लिया। काम तो हो जाएगा ना भाई? ये लो, इससे तुम्हारी सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। मुझे पता था कि कोई चमत्कार नहीं होने वाला। मुझे तो लगा था कि एक दिन सांप खुद उन्हें डस लेगा और उसी के साथ सारे किस्से कहानियां खत्म हो जाएंगे, मगर गज्जू और सत्तू की मौत ने सब गड़बड़ कर दी। सांप सत्तू और गज्जू को काटने के बाद गायब हो गया। फिर दोनों पति पत्नी मुझसे मिलने आए। साले तू के बाद निकाल मेरे पैसे। कैसे पैसे? चल निकल यहां से, नहीं तो पुलिस में दे दूंगा। तुम्हारे कारण सत्तू और गज्जू की मौत हुई और तुम्ही ने गांव में चोरी भी की। पंचों ने तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन भी करवा दी है। किसी को पता ना चले इसलिए मैंने लाशों को किसी सुनसान जगह पे गाड़ दिया। जमीन की खुदाई हुई, वहां पर मोहन और मीना के स्केलेटन्स मिले। ये राधा को कैसे फंसा है? मैंने राधा को एक झूठी कहानी सुनाई। गांव वालों ने तुम्हारे माँ बाप को मार दिया है। क्या? और वो तुम्हें भी कभी भी मार सकते हैं। देखो राधा, इससे पहले कि वो तुम तक पहुंचे तुम भाग चलो मेरे साथ। चलो ना, चलो। मैं उसका ख्याल रखता था और उसके बदले में उसका इस्तेमाल करता था। राधा कहाँ है? एम्बुलेंस को जल्दी बुला, जा क्विक। रमन के बताए गए पते से हमने राधा और उसके बच्चे को बचा लिया। राधा ने इस बात की पुष्टि की कि उसके बच्चे का बाप मनोज ही है। मोहनलाल के केस में एक बड़ी दस्तक छुपी हुई थी, उसने अपने अंधविश्वास में आकर अपनी ही बर्बादी की कहानी लिख डाली। जगत जैसे पढ़े लिखे लोग भी इस धोखाधड़ी के बाजार में सरगर्म है। वह अपने क्लाइंट्स को संतुष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। माला पहन लेने से, रंग बिरंगे धागे बांध लेने से कोई चमत्कार नहीं होते। इनका इलाज सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। इसी दस्तक के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है। जय हिंद।